जी अवार्ड से पहले मैं थी रोज न्यूज़ पे इंटरव्यू के लिए. नाउ आई हैव टू गो माई चैनल, सो लेट्स गो. टाइम काफ़ी हो गया है, ट्रैक्स वगैरह भी निकाल लिए. दिस ट्रैक इज नाइस. और लाइक आयशा की जो आवाज़ है ना, एक अजीब सा जादू है इन हर वॉइस लिटरली. कभी कभी ना खामोश रहना पड़ता है, खामोशी भी अच्छी होती है. हर टाइम बोलना भी अच्छा नहीं होता. बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहाँ आपको खामोश रहकर भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं. जी जी बिल्कुल बताइए. न्यूजीलैंड. अच्छा अच्छा ठीक हो गया. आपके बच्चे में ना पासिंग, सॉरी आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही, समझ नहीं आ रही बिल्कुल मुझे. अब आ रही आवाज़ लेकिन ये नहीं आ रही समझ क्या क्या क्या. ऐसा है ना कि आप ऑफ ही रहे, गाना चल रहा है. बिल्कुल आवाज़ ठीक आ रही है. मैं आपको ये कह रही हूँ ना, मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपको पासिंग मार्क्स भी नहीं दूंगी. अब आप समझ जाएंगे आपके जवाब सही है या गलत है. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. अच्छा चले, आपका तुक्का वैसे ठीक नहीं है इसलिए मैं आपको पासिंग मार्क्स भी नहीं दूंगी. कोई बात नहीं, अच्छी एफर्ट थी. बहरहाल बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आपकी कॉल आज भी लग गई. अच्छा अभी तक शुक्र है, मुझे ये किसी ने रोना नहीं रोया कि मेरी कॉल नहीं लगती. जो भी कॉलर्स हैं उनकी कॉल लग जाती है रेगुलरली जो कर रहे होते हैं. एग्जैक्टली ऐसा ही होता है. चलिए बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा. Now I have done my show. This is time to say lahafiz to all of you. Hello everyone, this is RJ Kehkishan. You can catch me every Friday 11 to 1 on your FM 101 Radio Pakistan. So keep follow us on TikTok and yeah. Now it's time to leaving Radio Pakistan and I have done my show aur ab ek to kaam hai wo karne hai and then I have to move to our next journey. आप सोच रहे होंगे मैं कैसी जगह पे हूँ. ये हूँ मैं लिफ्ट पे और मैं एक जगह इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ. आई एम नॉट यूजिंग लिफ्ट बिकॉज अभी मैंने खा लिया, तो आई थिंक आई शुड गो फ्रॉम स्टेयर्स. तो थोड़ा सा जो खाना है वो डाइजेस्ट भी हो जाए. येस दिस इज़ नन एंड अदर देन मेट्रो स्क्वाइन एंड टुडे आई एम वेरी फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग इन मेट्रो एंड गलत स्टेशन पर आ गई हूँ मैं, गलत बस में बैठ कर. और मेरी दोस्तें अब मुझे लेने आ रही हैं, दे आर वेरी काइंड टू कम टू पिक मी अप. सो अब वो आ चुकी हैं और हम बैठ चुके हैं अपनी सही वाली बस में और नाउ वी आर मूविंग टूअर्ड्स एंड टूरिस्ट. एंड टूरिस्ट जाएंगे, कुछ एक दो काम है और साथ ही साथ हमने खाना है क्योंकि भूख लगी हुई है सख्त. और अभी हो चुके हैं तकरीबन 3 बजे का टाइम हो गया और हम आए हैं सेंटोरस ब्रॉडवे पे. और अगर आप ब्रॉडवे पे आए हैं, पिज़्ज़ा खाया है आपने, तो अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको. अच्छा फर्स्ट टाइम जब हमने ऑर्डर किया तो ऑर्डर जो हमने किया वो पिज़्ज़ा उन्होंने अच्छा नहीं बनाया था, अच्छी फीलिंग नहीं की हुई थी प्रॉपर और बहुत ड्राई सा था. सेकंड टाइम क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है वो ब्रॉडवे पे एज अ मैनेजर काम करती है तो शी नोज़ के कैसा होना चाहिए. शी कंप्लेन और फिर हमारा पिज़्ज़ा दोबारा आया
और फिर जब दोबारा उन्होंने हमें बना कर दिया, दैट वाज प्रिटी गुड। उसकी फिलिंग भी अच्छी हुई हुई थी, और फिर इतनी ज़्यादा ओवर फिलिंग कर दी थी उन्होंने कि हमसे खाया भी नहीं जा रहा था, लाइक वो टूट रहा था। बहुत ज़्यादा मटेरियल उसके अंदर भी डाल दिया गया था, सॉस वगैरह, और ऊपर भी फिलिंग काफ़ी ज़्यादा थी। बट एनीवेज, अगर किसी को नहीं पता होता तो इनका वो मैार अब इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर आप जाते हैं तो चेक कर लीजिए अगर आपको। सो दिस वॉज इट, कैच मी इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइज़।